बेस्ट बहुत बढ़िया पेपर आया है जी, बहुत गजब का पेपर आया है। मान लो तो कितने क्वेश्चन किए? 160 करे। सारे कर दिए? सारे से कर दिए, सारे सही है। तैयारी कितने दिनों से कर? बहुत दिन की तैयारी, बचपन से तैयारी कर रहे हैं। बचपन से करी? बचपन से कर रहे हैं तैयारी। क्या ये आखिरी एग्जाम है क्या? हो जाएगा? हाँ हो गया जी। कितने क्वेश्चन सही है? 160 के साथ 160 सही है। सही है, सारे सही है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। ये चीज बहुत गलत है। क्यों गलत? क्या है, अब जैसे एमपी में पेन है, जो टेंडर जिस कंपनी ने इसको कराया है वो एजेंसी यहाँ एमपी में अन्य प्रदेशों में बैन है, लेकिन यूपी में उस चीज को इन्होंने दिया है। ये भी इस चीज को भी चैलेंज किया जाएगा, उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उस चीज को भी हम चैलेंज करेंगे। अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है इस बात के लिए तो री एग्जाम होना तय है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आने वाला हूं कट ऑफ। सबसे पहले मेल और मेल एंड फीमेल बोथ की मैं कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल 500% रनिंग चालू कर दीजिए। मेल एंड फीमेल बोथ की मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल। पहली बात तो आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हाँ वो लेटर सही है, उसकी पुष्टि हो चुकी है, कमेटी का गठन। सो जैन एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, यूपी एएसआई वालों के लिए डीवीपीएसटी का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही आज या फिर कल में, आज और कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। या तो आज रात तक रिजल्ट जारी हो जाएगा या कल तक, यानी कि दो दिन के अंदर, यानी कि आज 2 तारीख है, 2 और 3 के बीच में आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा डीवीपीएसटी का ऑफिशियल नोटिस यूपी एएसआई वाले भाइयों का आ गया है। तैयार हो जाए, नए साल में प्रक्रिया होगी जल्दी, यानी कि जो भी आपकी प्रक्रियाएं होनी, रनिंग होनी, फिजिकल होना, डीवी होना, सब कुछ आपका इसी साल यानी नए साल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जनवरी तक आप लोग का सब कुछ हो जाएगा और फरवरी और मार्च में आप लोग का, फरवरी में अगर मान लेते हैं मेडिकल का, तो मार्च में आप लोग की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि चुनाव से पहले आपके जो भी चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 5 तारीख से आपके इलेक्शन कमीशन आपकी डेट अनाउंस करेगी चुनाव की। 5 तारीख से आप लोग की जो 5 जनवरी है उसकी इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की डेट जारी करेगी, तथा आचार संहिता भी आप ये जान लीजिए 10 जनवरी या 12 जनवरी के बीच में लगने वाली है। उससे पहले सारी प्रक्रिया हो जाएगी, आचार संहिता लगने से पहले आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज या कल में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और जनवरी में सब कुछ खत्म करने की तैयारी में है। साथ ही आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे और साथ ही आपको, अगर मैं कट ऑफ बताऊंगा जितने, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हों तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए, आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। 500% आप लोग को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे भी कोई न्यू वैकेंसी की अपडेट आए या फिर यूपी पुलिस की अपडेट आए आपको पता चल सके। साथ ही आपका एक तरफ कोर्ट केस भी चल रहा है, यूपी एसआई वालों ने जो रिट दायर की थी उसकी कहां तक उसकी याचिका पहुंची और क्या उसका प्रोसेस है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपने वीडियो के पहले देख ही लिया होगा, यूपी जो एसआई का कोर्ट केस है उसकी भी अपडेट आपको बताएंगे, लाइव आपको दिखाने वाले हैं। सो वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो बढ़िया लगे ना तो भाई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे यूपी एएसआई वालों के ऑफिशियल नोटिस की, जो यूपी एएसआई वाले भाइयों का आया था उसमें डीवीपीएसटी में क्या नोटिस आया हुआ है उसको सबसे पहले बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग यूपी पुलिस या upppvpb.gov.in डालेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के जवान भी बने हुए हैं। जैसे आपके पास आएगा 31/12, यानी कि परसों के दिन ये नोटिस आया था। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पीडीएफ रीडर पे, जैसे आपको जो भी आपका सिस्टम हो उससे आप ओपन करिएगा। जैसे कि आप लोग ओपन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार की तरफ से, यानी जो इसमें लखनऊ का हेडक्वार्टर है, 31 दिसंबर दिनांक भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या आएगा, परीक्षा संपन्न द्वारा कराया जाएगा, इसकी समिति में स्वरूप जो आप लोग के डीवीपीएसटी कराएंगे वो कौन कौन लोग होंगे, जनपद के जिला मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी डीजीपी डीएसपी रैंक के लोग यहां पे मौजूद होंगे। साथ ही जो जिला, जो आपके जिला मजिस्ट्रेट के नाम पर शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय के जो प्रिंसिपल टाइप के होते हैं, जो राजपत्र अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो लोग इसमें शामिल होंगे। बात कर लेते हैं यूपी एएसआई वालों के लिए, तो यूपी एएसआई वालों के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए 156 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोगों का SC ST वालों का मांग गया है। जब आप लोगों का DVPST होगा तो पहले प्रोसेस क्या होगा, पहले मैं वो भी बता देता हूँ। सबके पहले जब से आपका DVPST होगा, DVPST में आपके, GVPST में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस साथ में दो दो फोटो कॉपी, यानी कि दो सेट वहाँ पे बनते हैं।
तो सभी की सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास जितना भी ओरिजिनल कार्ड हो, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र तक भी आप लोग अपना ओरिजिनल लेके जाइएगा। जो भी आपके पास जितना भी चीज़ ओरिजिनल है लेके जाइएगा, चाहे अपने NCC सर्टिफिकेट आपके पास हो, चाहे तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास चीज़ें हैं ओरिजिनल लेके जाइएगा। प्लस साथ में सभी की दो दो फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, दो दो फोटोकॉपी भी सभी लोगों की करा लीजिएगा, दो दो फोटोकॉपी सभी की करा लीजिएगा, जीरोक्स कॉपी, और साथ ही उसमें आप लोगों का, साथ ही आप लोगों ने जो फोटो अपलोड की थी फॉर्म भरते वक्त, यानी कि जो आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन में फॉर्म भरते वक्त की थी, उसकी 3 से 4 फोटो आप लोग ले लीजिएगा। और जब आप लोग का DVPHT होगा तो सबको आपको गैजेटेड ऑफिसर कौन कौन लोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। MBBS डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट MBBS हो या प्राइवेट दोनों चल जाता है, इतना चेक नहीं होता वहाँ पे। MBBS डॉक्टर हो सकते हैं, आपके कोई BTC BEd में जो करके जो गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं उसमें प्रिंसिपल के अलाउड होते हैं, टीचर्स के अलाउड नहीं होते। MBBS डॉक्टर हो या फिर जिला तहसीलदार या फिर कोई पुलिस के अधीक्षक रहेंगे या DGP DSP रैंक का हो तो वो भी चल जाएगा। यानी कि आप बात करें तो आप लोग जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहाँ पे MBBS बैठे रहते हैं, उनसे सिग्नेचर करा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि वहाँ पे जब UP पुलिस SI या फिर SI का जब आप लोग का वेरिफिकेशन होगा तो MBBS के सिग्नेचर मांगे जाते हैं, या फिर किसी और आपके गवर्नमेंट टीचर के जो वहाँ का प्रिंसिपल हो उसके भी सिग्नेचर वैलिड होते हैं। यानी MBBS डॉक्टर होने चाहिए, यानी कोई भी गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, यानी राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स सारे चेक किए जाएंगे जो भी मैंने बताए थे। और स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर ग्रेजुएशन में मार्कशीट चल जाएगी या फिर उपाधि निकलवानी पड़ेगी यानी डिग्री निकलवानी पड़ेगी। अगर प्रोविजनल डिग्री निकल जाती है तो प्रोविजनल डिग्री निकाल लीजिएगा, क्योंकि CSJMU यूनिवर्सिटी की साइड में तो प्रोविजनल डिग्री तुरंत निकल आती है। आप लोग किस यूनिवर्सिटी से हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन प्रोविजनल डिग्री तुरंत निकल आती है और CSJMU में भी तुरंत निकल आती है। तो अगर नहीं भी निकल रही है तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। डिग्री के लिए अगर डिग्री भी नहीं आ पाती, जब लोग आपका आप लोग का DV लगा होता है तो आप कॉलेज के जो प्रिंसिपल उनसे लेटर पैड में लिखवा लीजिएगा कि मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया है और नहीं आ पाया है, तो सिग्नेचर कर देंगे वो बकायदा। तो वहाँ पे DV में आपकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लोग के पास मार्कशीट तो होगी, मार्कशीट लेके चले जाएगा, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आप लोग का DV हो जाएगा, DV होने के बाद मेल कैंडिडेट्स का हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी लोग चेस्ट से भी बाहर हो जाते हैं, हाइट से भी कुछ लोग, क्योंकि लड़के की हाइट कम हो जाती है, हाइट वेट चेस्ट तीनों का मेजरमेंट किया जाता है। अगर फीमेल्स की बात कर लें तो फीमेल्स में सिर्फ हाइट और वेट मेजरमेंट किया जाता है, फीमेल्स में हाइट और वेट मेजरमेंट किया जाता है। सिर्फ वेट फीमेल्स का 40 kg मिनिमम होना चाहिए, 40 kg से मतलब ज़्यादा हो तो चल जाएगा लेकिन 40 kg से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ DV में होती है, DV के बाद आपको घर भेज दिया जाता है, फिर उसके 2 से 3 दिन बाद आप लोग की रनिंग कराई जाती है। आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इतने आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए, आपको 100% नहीं 500% आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बिना किसी तरीके उसको भी बात कर लेते हैं। उससे पहले भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे भी कोई न्यू वैकेंसी या यूपी पुलिस की कोई भी अपडेट आए तो आपको पता चल सके। चलिए उसकी बात कर लेते हैं, चलिए बात कर लेते हैं यूपी दरोगा भर्ती की फिजिकल कट ऑफ की। मैंने कल भी यही कट ऑफ बताई थी, अगर आपके जिन्होंने कल तक की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मेल एंड फीमेल बोथ की हम लोग कट ऑफ बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मेल कैंडिडेट्स की, और भाई फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन वाले भाई की भी बात करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की। मेल कैंडिडेट्स में अगर जनरल कैंडिडेट्स है कोई, उसके 112 से 114 क्वेश्चन के बीच में ठीक बनना है तो बिल्कुल आप लोग रनिंग चालू कर दीजिए। सिर्फ 20,000 की जो DVPHT में बुलाया जाना है उसमें आप लोगों का नाम होगा। बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी अगर 107 से 110 क्वेश्चन के बीच में अगर ठीक बनना है तो आप लोग बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। जो UPSI में जो 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे उसमें आपका DVPHT में नाम होने वाला है। बात कर लेते EWS कैंडिडेट्स की। EWS 105 से 108 क्वेश्चन के बीच में अगर आप लोगों को सही बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। जो आपके 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे उसमें आप लोगों का नाम होगा। दूसरी बात कर लेते हैं
SC ST की SC ST 97 से 102 क्वेश्चन के बीच में बनना है तो बिल्कुल आपको DVPSC बुलाया जाएगा। ST की बात कर लें 90 से 95 के बीच में अगर आप लोग को सही बनना है तो आप लोग को DVPSC के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने नंबर बनना है और आप लोग किस शिफ्ट से बिलोंग करते हैं, और साथ में भाई कैटेगरी जरूर बता देना तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आपको DVPSC के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस शिफ्ट से था और मेरी कैटेगरी ये है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आपको बुलाया जाएगा या फिर DVPSC के लिए नहीं बुलाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। अब फीमेल कैंडिडेट्स में बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स में कोई अगर जनरल कैंडिडेट्स है तो 105 से 108 क्वेश्चन के बीच में अगर फीमेल्स के बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दे। 20,000 कैंडिडेट्स में DVPSC के लिए बुलाया जाएगा। OBC की बात कर ले, OBC से 99 से 103 के बीच में अगर नंबर बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। EWS 97 से 101 तो क्वेश्चन ठीक बनना है तो रनिंग बिल्कुल चालू कर दीजिए। फीमेल्स में 92 से 95 के बीच में किसी फीमेल्स के बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए, आपको DVPSC बुलाया जाएगा। ST की बात कर ले, 85 से 90 के बीच में अगर आप लोगों के क्वेश्चन ठीक बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा होगा क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी या फिर नहीं आएगी, तो सेकेंड लिस्ट जो पहले फेज में है सिर्फ 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, लेकिन जो आपकी सेकेंड लिस्ट जरूर जारी होगी फीमेल्स की, तो 100% यानी 200% मैं गारंटी लेता हूँ फीमेल्स की सेकेंड लिस्ट जारी होगी, क्योंकि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 का दिया होगा उसमें फीमेल्स की 3 लिस्ट जारी होंगी। आप लोगों को सुन के अचंभित हो रहा होगा लेकिन उसमें 3 बार फीमेल्स को बुलाया गया था, यानी 3 लिस्ट जारी हुई थी फीमेल्स की कट ऑफ को कम कम करके। तो इस बार भी यही होगा, पहले फेज में से 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, सेकेंड फेज में हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाए लेकिन सेकेंड लिस्ट तो फीमेल्स की जरूर आने वाली। अब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर मेल कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स की भी आ सकती है क्योंकि 20,000 स्टूडेंट्स में 9,534 लोगों को लेना बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि कुछ लोग हाइट में ही बाहर हो जाएं, कुछ लोग चेस्ट में ही बाहर हो जाएं, कुछ फीमेल्स का भी यही होगा, और रनिंग में तो ऑलरेडी बहुत ही लोग बाहर होंगे क्योंकि आपको पता है मौसम कितना ख़राब चल रहा है। अब स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर कौन लोग होप छोड़ दें, जो लोग सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं पार कर पाए हैं वो बिल्कुल होप छोड़ दें, जिनके यानी कि जिनके जीके जीएस में 14 क्वेश्चन ही नहीं ठीक हो पाए, यानी जिनके 14 क्वेश्चन नहीं ठीक हो पाए किसी भी सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल होप छोड़ दें, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आ रही है, UPSI भी 840 पदों के लिए आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,744 आ रही है, 10 जनवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे। जो लोग सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पाए यानी 14 क्वेश्चन नहीं ठीक कर पाए वो लोग होप छोड़ दें, वो लोग किसी नई वैकेंसी की तैयारी करें, उन लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है इस बार। बात कर लेते एक्स सर्विसमैन वाले भाई की, अगर 85 से 90 के बीच में किसी अगर एक्स सर्विसमैन वाले भाई हैं तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दें, आप लोग को DVPSC के लिए बुलाया जाएगा। फ्रीडम फाइटर वाले भाई हैं तो 87 से 92 के बीच में अगर आप लोग के क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं भाई तो आप लोग भी रनिंग चालू कर दीजिए, आप लोग को लिए भी बुलाया जाएगा। कोई फीमेल्स अगर फीमेल्स भी कमेंट करके जो बताएं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं या फिर मेरी कैटेगरी ये है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप लोग का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। और शिफ्ट भाई जरूर बता देना, शिफ्ट और कैटेगरी जरूर बता देना कि मेरे इतने क्वेश्चन हैं और इस शिफ्ट से था और मेरी ये कैटेगरी है। साथ ही एक्स सर्विसमैन वाले भाई भी कमेंट करके जो बताइएगा कि मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस शिफ्ट से बिलोंग करता हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप लोग का DVPSC बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका कोर्ट केस की, जो UPSI का कोर्ट केस चल रहा है वो वहाँ कहाँ तक पहुँचा है। उससे पहले भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब UPSI कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है और उसके आधार पर इनका एग्जाम जैसे कभी 50 क्वेश्चन में से 15 दे दिए, 10 दे दिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। मेन यही है। उसके बाद कहीं कहीं इशू रहा है कि किसी का ज्यादा क्वेश्चन आया, किसी के कम आ गए, किसी का नंबर आ गए, ये प्रॉब्लम इनकी रही है। तो सबसे बड़ा इशू है, इसी बात पे हम लड़ाई करेंगे, पहली चीज ये हो गई। और आगे और भी समस्याएं हैं जिन पे हम बात करेंगे अभी, तो एक इशू मेन ये है। और दूसरा ये भी तो है कि जैसे जो हमारे अलग स्टेट में मध्य प्रदेश में जो टेंडर बैन एकदम बंद है, तो इसको यूपी पुलिस वालों ने इस टेंडर को लिया गया है, ये भी तो गलत है। ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि गलत क्या है, अब जैसे MP में बैन है, जो टेंडर जिस कंपनी ने इसको कराया है वो एजेंसी यहाँ MP में अन्य प्रदेशों में बैन है, लेकिन UP में उस चीज को इन्होंने दिया है। ये भी इस चीज को भी चैलेंज किया जाएगा, उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उस चीज को भी हम चैलेंज करेंगे। अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है इस बात के लिए तो री एग्जाम होना तय है, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
जैसे बता दीजिए कि जैसे बच्चे अगर आपसे जैसे जुड़ना भी चाहें, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे भी हैं बहुत सारे बच्चे ने पैसे भी ले लिए, वकील तक ये पहुंचे भी नहीं, तमाम ऐसी खबरें हमने खुद सुनी हैं। अब पहले तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि फ्रॉड गिरी के चक्कर में ना पड़े, जितना भी कोशिश रहे तो डायरेक्ट या तो मुझसे मिले, जहां भी मिले, जिससे मिले, जैसे भी कराए, डायरेक्ट मिलके कराए अपना काम, क्योंकि फ्रॉड गिरी इतनी होती है कि पैसे दे दिए, जहां जाना होता है वहां पहुंचते नहीं है, कागज दे दिए, व्हाट्सएप भेज दिए कि हम आ जाएंगे करा देंगे, ये सब मत करिए। आप लोग अपना काम स्वयं करिए, जितना प्रयास हो सके जानने की कोशिश करिए, चाहे मुझसे आइए, किसी के पास जाइए, लेकिन खुद से जाके कराइए, वो ज्यादा बेटर है। मैं अपना पूरा इंट्रो दे दूंगा, इसमें सारा कुछ नीचे लिखा रहेगा, उसमें आप अपना देख लीजिए, अगर मुझसे भी कोई संबंध रखेगा, मेरा साथ है, हाँ, कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो निष्पक्ष या निसंकोच ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। धरना प्रदर्शन से देखिए कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन का क्या है कि सरकार ऐसे सुनती नहीं है, आचार संहिता लग जाएगी तो उनको मार मार के जेल में भर दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि चंद से ये जो चंद्रशेखर पार्क है, अभी 26 तारीख को यही चीज हुआ है, बच्चों के साथ FIR भी हुआ है, हो जाएगी, कैरियर खराब हो जाएगा आप लोगों का। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है, सरकार इस तरह से नहीं सुनती है, सरकार ये तो कोर्ट से सुनेगी। आप लोग स्टूडेंट है, कल को उसी प्रशासन के साथ आपको जाना है, वही पुलिस बनेंगे, उससे मार खा रहे हैं आप लोग, गलत बात है। तो अगर ये आ सके तो सीधा आपसे आए मुलाकात करें, हाई कोर्ट में आप बैठते भी हैं? हाई कोर्ट में हम बैठते हैं। चैम्बर नंबर भी बता दीजिए। चैम्बर नंबर 158 है, मोबाइल नंबर वगैरह सब इंट्रो में हम लोग दे देंगे अभी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें मेरी उपलब्ध रहेंगी, आप लोग आइए। और ये मान के चलिए कि री एग्जाम के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि री एग्जाम हो जाए, और बोर्ड को कन्विंस करेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, जो प्रॉब्लम हुई है अन्य प्रदेशों में, जो एजेंसी बैन है वो यहाँ एग्जाम करा रही है, ये गलत है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय से हम लड़ेंगे भाई। और दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों का भविष्य गर्त में है, इसलिए धरना प्रदर्शन से आप लोग दूर रहिए जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि FIR होगी तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, उसी को हटाते हटाते आपका जीवन बीत जाएगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं, अगर करेंगे, जब अपना मैटर आएगा, अगर इसमें मैटर में हम लोग इस चीज को भी चैलेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बन जाएगा, और कोर्ट हमारी बात को एक्सेप्ट करता है तो जांच होगी। हाँ, यहाँ तक आप सर बताइए कि जैसे आज तक मैंने देखे जो टीचर्स 10 साल 15 साल पढ़ा भी रहे, GS में ऐसा सब्जेक्ट है कि ये 40 में कभी कोई नहीं मार सकते, लेकिन ये जो बच्चा है 40 नंबर ही मारा है, पूरा 40 क्वेश्चन ही पूरा किया है, इतनी तो मतलब हमको तो नहीं लगता है कि जब टीचर नहीं कर सकते कि बच्चे कैसे कर सकते हैं। वही बात, मैथ रीजनिंग हिंदी में मैं मान सकता हूँ, चलिए 40 में 40 आप मार दीजिए, ऐसे ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कोई भी 50 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 50 में 50 कोई भी 100% नहीं कर सकता, लेकिन ये बच्चे कहीं ना कहीं से पा जाते हैं, या फिर कहीं से अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो पीछे से सेटिंग करके अपना कर लेते हैं, ये भी जाँच का विषय है। आने वाले समय में देखिए कुछ ना कुछ बदलाव भी होंगे, अभी तो हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, अगर कोर्ट में इस चीज को एक्सेप्ट हो जाता है तो कैमरे और बाकी चीजें जो भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम को हम लोग जागृत कराने की कोशिश करेंगे, और जांच का विषय के लिए इसको कोशिश करेंगे कि जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच, बिल्कुल सर। ये बताइए, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, मैं जहाँ जहाँ मैं वीडियो बनाने भी गया था, यहाँ पे लड़के फीस के चक्कर में फंसे हुए थे, थोड़ा